अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी जल्दी से आ जाएं सारे, क्योंकि हम सिखाने जा रहे हैं आपको खूबसूरत सा ब्राइडल हेयर डू। ये प्लीज़ कोई फ़ोन पकड़े सिद्रा। जीनत मेरा मास्क। शेरिल आप आ जाइए इधर, इसको ज्वेलरी पहनाए। हिबा आप तो हमारी मोस्ट फेम में जाती जा रही है ना। ज्वेलरी बॉक्स इसको ओपन कीजिए। अब आ जाएं आप लोग जल्दी जल्दी से, प्यारे प्यारे से मेरे जो स्टूडेंट्स हैं। वालेकुम सलाम महवेश। अच्छा मुझे इसको महवेश भी आ गई है, वो भी कह रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये पकड़िए। हमने किया ये आज हमारा था एंगेजमेंट मेकअप ग्लैम में। अच्छा नायरा अंबर भी आ गई मैम आपसे। मैंने गोल्ड सीरम का पूछा, आपने नहीं बताया। आपने कब पूछा था बच्चे? नबीला अंबर जी देखें यहाँ पर है गोल्ड सीरम हमारे, वो लाएं दिखाएं हम इनको लाइव दिखाते हैं। वैनिटी में से निकाल के दिखाएं। आपने गोल्ड सीरम वही वाला पूछा ना जो मेकअप से पहले अप्लाई करते हैं। अच्छा यहाँ पर हमारे पास है स्ट्रेटनर। अच्छा बच्चे इंस्टा पे, असल में मेरा इंस्टा का पेज है ना किसी और के पास भी है ना, वो हैंडल करते हैं, मैं आपको अभी बता देती हूँ। अच्छा यहाँ पर देखिए हमारी फिर रिकनेक्टिंग डिवाइस कौन सी लगी हुई है। लाइए ये देख लीजिए, ये है वो। किसने पूछा था, बच्ची का नाम क्या है? ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूंगी, मुझे याद रहा तो डिस्क्रिप्शन में इसका नाम दे दूंगी। अच्छा ये कंपनी नेम देना। ये तो मैंने किसी डीलर से मंगवाया था, इसका नाम है गोल्डजैन एम्प्यूल है। गोल्डजैन एम्प्यूल है ठीक है, 24 कैरेट गोल्डजैन एम्प्यूल। कर्ल्स देखें हम किस तरह बनाते हैं। आपने स्ट्रेटनर को जब आप लेंथ में कर्ल्स बना रहे हैं तो आपने स्ट्रेटनर से बालों को करना है स्ट्रेट और सिर्फ नीचे वाली लेंथ को आपने बनाना है कर्ल। अच्छा यहाँ पर हम लोग इसको सिर्फ लेंथ लेंथ पे करना है ठीक है। अच्छा एक चीज़ गौर से देखें कि शेरिल ने यहाँ से इन्वर्ट किया है इन वाले बालों को, आपने इस तरफ को टर्न करना है ठीक है, और उधर वाले बालों को इस तरफ ठीक है।
हाफ सेक्शन के अबाउट आपने इन बालों को इधर टर्न करना है और इन बालों को उधर टर्न करना है। किसी ने मुझसे पूछा था YouTube पे ही कि आपने रिंग लाइट कहाँ से ली है, तो ये रिंग लाइट मुझे एक फ़ोटोग्राफ़र से ही मैंने ली थी, जो कि अभी वो तब यहाँ है नहीं, फरहान, बहुत लोग जानते हैं फरहान को, फरहान ने मुझे मंगवा के दी थी। नज़र आ रहा है आप लोग? डिवाइस बंद होने लगे तो बताना मुझे। ये देखिए, इस तरीके से सारे बालों को नीट करते जाना है, लेंथ को नीट करने है आपने और फिर रूट्स पे आपने, और सॉरी, रूट्स को नीट करने है और लेंथ पे आपने कर्ल्स बनाने हैं। ये स्ट्रेटनर है क्यूने का, लाइव कैमरे तो मेरे फ्रेंड पे चल रहे हैं, कितने नीचे का काम करवा रहे हैं। ठीक है, मैं फिर ठीक है, फिर मेरा काम सेट कर दिए जी सर। नीचे जो मैं एक मिनट आप लोगों को बताती हूँ, नीचे जहाँ पर लगे हुए ना वो तो लगे हुए ना, बाकी इस वाले कर लेंगे जो नीचे वाले, उधर उनको उस तरफ का ना लगे, इंटरेस्ट का लगे जाके जहाँ वहाँ से लगे और वहाँ से सारा ये दिख रहा हो। ठीक है, मैं आ जाऊँगी, मुझे बुला लेना इतनी देर। ठीक है, आप ऑफर सारा देखो मेरे, मैं ये वाली जगह है ना, ठीक है, इस जगह से उधर आपने उधर लगाना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप लोग, हिबा आपने सवाल किया है कि ये किस तरह कर्ल्स होंगे, ये स्ट्रेट करके नीचे से सिर्फ लेंथ पे कर्ल्स किए जा रहे हैं। तो कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि हमारी जो है वो कम ना हो, लेंथ शॉर्ट ना हो, तो ये लेंथ शॉर्ट नहीं होगी इससे। लेंथ शॉर्ट नहीं करनी ज़्यादा। साथ में यहाँ पर मैं आप लोगों को यूज़ करना बताऊँगी हेयर एक्सटेंशन के, हेयर को लेंथी कैसे किया जाता है और एक्सटेंशन कैसे लगाई जाती है। ठीक है, पहले बन जाएं सारे कर्ल्स, फिर हम आपको बताएंगे लेंथ पे एक्सटेंशन लगाना। शेरिल, आप साथ साथ अब रूट्स में बैककॉम्बिंग भी शुरू कर दीजिए। ठीक है, डिस्कस करें हमारे साथ। जी जी, अब नेक्स्ट आप लेंगी ना तो उसके अंदर बैककॉमिंग कर दीजिए। मैंने मोबाइल इसलिए खुद पकड़ा हुआ है ताकि आप लोग सवालात करें और मैं उसका जवाब दे सकूं। हिबा, आपका कोई सवाल और मजीद? अभी आप लोगों ने मेकअप का लाइव ट्यूटोरियल अपनी जूम क्लास में देखा है, तो इसी हम उसी क्लास को मैं आप लोगों को चले मेकअप दिखाती हूँ। इतनी देर, जितनी देर में ये हो रहा है हमारा वो, रीबा बाल पीछे कीजिए। आइज बन, ये हमारा मेकअप, सामने शीशे में देखिए, बड़ा सॉफ्ट सा हमने मेकअप किया है इनका। आप जब पूरा मेकअप कर लेते हैं तो आपकी जो लुक है वो हेयर स्टाइल आपका उठा रहा होता है। वहाँ से कर्टन सही कर दीजिए। रोजे कैसे जा रहे हैं आप लोगों के?
बैकॉम करते जाएंगे। देखें इस सेक्शन को हम, तो इसको यहाँ पर है ना आप होल्ड कर लें, अगर कोई सवाल आएगा तो मुझे बताएगा। ये पकड़ें इसको, कैमरे को करें करें आप, मैंने एक्सटेंशन। अच्छा यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हेयर एक्सटेंशन की यूजेस किस तरीके से होते हैं। फीलिंग वेरी लो टुडे, रोज़ा लग रहा है। अगर आप बैक पे मेरी वीडियोस पे जाएं ना, वन ईयर बैक जाएं, तो आप लोगों को सहरी में बिल्कुल भी रोज़ा नहीं लगेगा, इतनी फिट टिप। मैंने बनाई थी गोंद कतीरा पे एक वीडियो और वो मेरी बहुत अच्छी फेम वीडियो रही थी। उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था उससे गोंद कतीरा से फेशियल, जैसे कि आजकल ड्राई वेदर चल रहा है, आप उस गोंद कतीरा से इतना अच्छा फेशियल कर सकते हैं। आप उसको शरबत में मिला के रात को सहरी के वक्त अगर पियेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको पूरे दिन ना प्यास लगेगी और ना ही लगेगी भूख। और बल्कि जो लोग बहुत दुबले पतले हैं और वो चाहते हैं कि वो फरवा हो, यानी कि थोड़ा सा गोल मटोल हो जाए, तो वो यूज़ कर सकते हैं आराम से मज़े से अपना ये गोंद कतीरा। और गोंद कतीरा को यूज़ करने का जो तरीका है वो मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में बनाया है। इसके अलावा लास्ट ईयर जब क्वारंटाइन था तो उसके अंदर मैंने की बड़ी ज़्यादा मस्तियाँ लाइक इस तरीके से कि कुछ फैमिली को भी टाइम देना चाहिए ना, तो मैंने उन लोगों के लिए की थी खूब ज़्यादा कुकिंग बेकिंग, और मैं खाना वैसे अच्छा बनाती हूँ बहुत, तो मैंने उस वो वीडियोस भी उसमें शेयर की हुई हैं। तो आप लोग ज़रूर मेरी लास्ट ईयर की वीडियोस देखें इसी चैनल के ऊपर, आप लोगों को मज़े मज़े खाने की रेसिपीज़ भी मिलेंगी उसके अंदर, टिप्स भी मिलेंगी और बहुत कुछ मिलेगा। जितनी देर हो रहे हैं कर्ल्स हम मैं आती हूँ थोड़ी देर में, बस ये पकड़े फ़ोन। इतनी देर आप लोग देखें, कर्ल्स जाना कहीं नहीं है, मैं बस अभी आ रही हूँ और आप लोगों को ये एक्सटेंशन लगाना बताती हूँ। आइए
ठीक है हाँ ठीक है। जी बैकॉमिंग हो गई कंप्लीट है, आज हो गई है गर्मी ठीक ठाक। अच्छा ये है हमारे पास एक्सटेंशंस, हेयर एक्सटेंशन, ओपन करें इसको। कर लेंगे हम कॉन्टेक्ट, आज ही उसका फोन करो, उसे सेव कर दिया। ठीक है, अब आ जाए आप इधर, ये पकड़े हैं। किसी कोई सवाल तो नहीं आ रहा किसी का? आपने इन एक्सटेंशन को जब हमने ये बैकॉमिंग दी है ना, तो आपने देख लेना है कि लेंथ इनकी किस तरीके से कितनी बड़ी रखनी है। अच्छा इसमें ये देखें क्लिप्स होते हैं, इन क्लिप्स को कर लेना ओपन, एक्सटेंशन को थोड़ी सी कर लें ओपन ताकि ये कर्ल लूज लूज हो जाए। ये देखें, ये जब मैंने इसको इस तरीके से किया तो ये एक्सटेंशन हो गई लूज लूज। ये देखें
एक्सटेंशंस ये लग गई हैं। अब हम तैयार करेंगे फ्रंट सेक्शन। फ्रंट पे लिया है फोन, छोड़ो मोबाइल। तो मुझे इसकी बिंदिया दीजिए। आपने यहाँ पर अच्छे से इसको पिन कर देनी है, लगा देनी है होल्ड। मुझे नहीं लेना, सामने से आ जाए। और किसी ने कोई सवाल पूछना है तो बताइए। ये पकड़ो, हमने इनके बालों को बारीक क्रीम किया हुआ है। चौली दड़ियां यूज करेंगे, हेयर स्प्रे। क्योंकि जब आपके क्लाइंट का फेस हो छोटा, तो आपने हेयर स्टाइल थोड़ा ऐसे बनाना है कि इसका फेस लगे बड़ा बड़ा। जी जब नहीं करना था आप तो ठीक है। आपने इस तरीके से इनवर्ट पे स्ट्रेटनर घुमा के ये देखें, इनको कर्ल्स करना है। जो क्रिम्पिंग है इनकी वो बहुत बारीक वाले क्रिम्पर से मैंने की है। फ्रंट जो आखिरी वाले बाल हैं इसको आपने इन हेयर्स को भी करने में इनको भी नीट कर देंगे कर्ल्स को। किसी का अगर सवाल आए ना ऑनलाइन तो मुझे बताइएगा, मैं इसको आंसर करूंगी। इनके जो फ्रंट वाले बाल थे इसको हमने एक कर्ल बना दिया। और अहमद शाह जी कैसे हैं अहमद? और नादिया शाह कह रही है माशाल्लाह। थैंक यू। हम इनका हेयर स्टाइल जितना उठा के बनाएंगे इनका फेस इतना ही प्यारा लगेगा।
आप लोगों को पता है हम लोग हम जो यूट्यूबर्स होते हैं यानी जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं उन सबको आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपनी राय मुझे ज़रूर दें कि हम अपने चैनल को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं। आप इधर आके खड़ो बेटा, ये फ्रंट वाला हेयर स्टाइल लाजमी देखिएगा कि हम इसको किस तरीके से अरेंज करेंगे। आप मुझे बताती रहेगा कोई सवाल अगर आए तो, ठीक है। आप लोगों को हेयर स्टाइल समझ आ रहा है? आप लोग मेरे चैनल पे डिफरेंट टिकटॉकर्स की भी वीडियोस देखी होंगी, मैंने किया था हरीम का मेकओवर, ठीक है। आपको पता है वो कितना उनका जो थोड़ी सी है ना वो, लेकिन आप अगर उसका देखें तो हमने उसको काफ़ी ज़्यादा कंटोर किया था उसके हेयर डू से। उसको इन सेक्शंस को हमने कर लिया अलग और इसको हम थोड़ी सी करेंगे ब्लैक कॉम। ये मेरे पास बारीक बैक कॉमिंग के लिए कॉम है, फाइन कॉम है। मैंने पहले भी अपनी हेयर स्टाइलिंग की क्लास में बताया था कि हम इस कॉम से बैक कॉमिंग देते हैं। ये ब्रश है मेरे पास, छोटा हेयर ब्रश, ये आपको इजीली मिल जाएगा। वीडियो क्लियर नहीं आ रही आप लोगों को? टेलकॉम हमारे पास, ये बैक कॉमिंग का टेलकॉम है, बैक कॉमिंग ब्रश है और ये हमारे पास फाइनिंग कॉम है, ठीक है। यहाँ पर आपने ये बेटा हाथ इससे करें, यहाँ पर आपने इन बालों को इस तरीके से उठाना है। दोबारा से बताती हूँ, इस तरीके से उठाना है और इस स्ट्रेटनर से इस तरीके से इनवर्ट साइड पे कर देना है टर्न। इसको आपने इस तरीके से तीनों लेयर्स को पार्टिशनिंग करके आपने करना है टर्न और इसको हम करेंगे यहाँ पर स्प्रे दीजिए। शेरिल आप कैमरा सही नहीं पकड़ रहे, अगर किसी को वीडियो नहीं दिख रही तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है हमारे इतनी मेहनत का, अकेले काम तो हम भी कर लेते हैं। ब्रश दें, आपने टेलकॉम या बैक कॉमिंग ब्रश के बैक से अपने बैक कॉमिंग को उठा लेना। स्प्रे मेकअप के हवाले से भी अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं मुझसे। असल में आज नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो रहा है हमारा, हम बस नया टेल वाले हैं, घर में नया टेल लगाया वो भी ख़राब हो रहा है और ये PTCL वाले ये भी। ये वाले बाल लें आप, इनको हल्का से बैक कॉम दिया, आपने इस तरीके से ये देखें, उसके बाद आपने
थोड़ा सा आप शहरे अभी तरह आए ताकि फ्रंट सेट करना पड़े। हम लाइव है, हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे वीडियो जो आप लोग तो मूव कर रहे हो उसको कैमरे को। इस तरीके से आपने इसको टर्न करना है आउटवर्ड में और होल्ड करना है थोड़ी देर। अपने तमाम कलर्स को मिक्स कर लें। स्प्रे को हमेशा जो है ना आपने दूर से करना है, अगर आप करीब से करेंगे तो आपके बाल जो है ना बिल्कुल बैठ जाएंगे। ऐसे रखें कैमरा, जो रफ रफ बाल आ रहे हैं आप उनको सेट कर लीजिए और अपने फोन के ये इसके बैक इससे टेलकॉम्स की बैक से आप इसको एयरिंग निकालें। निंदा नूर से नाम है। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों को कैसा लगा हेयर डू, अच्छा लगा? वालेकुम अस्सलाम निदा, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी। जी आप इसको पार्टी मेकअप और इंगेजमेंट मेकअप ये दोनों में कंसीड कर सकते हैं। निकाह पे भी आप इतना सॉफ्ट मेकअप कर सकते हैं। इनकी आईज बहुत ज़्यादा छोटी थी जिसको हमने बड़ा किया है विद अपने आई मेकअप के अकॉर्डिंग। फेस फिक्सर स्प्रे दे दें। थैंक यू निदा। जी जी मैंने इनके मेकअप की वीडियो, असल में ये हमारी जो क्लासेस चल रही हैं उसकी है, तो ये हमने इनका जो मेकअप है वो लाइव में जाके किया था। अब जो है ना हम इनका ट्यूटोरियल इंशाल्लाह ताला जल्दी ही शेयर कर देंगे। क्लासेस स्टार्ट हुए हुए तो हो गए हैं दिन। जी मैंने बताया था इस पे चैनल। हाँ बैग पे ले जाओ और एयर। चलें इंशाल्लाह ताला अब ईद के बाद हम क्लासेस देंगे ना फिर, क्योंकि अब आगे सीज़न स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मैं ठीक, कैसी हैं आप हानी गुजर? हम यूज़ करने लगे हैं फिक्सर स्प्रे। आज हमने जो बेस प्रोडक्ट यूज़ की है वो यूज़ की है स्वीट फेस वालों का प्रोडक्ट। बैक से भी दिखा दे। अच्छा ठीक है लेकर आए।
बहुत प्यारी लग रही है जैसे डोल पकड़ो। ये डॉल छोटी सी डॉल है। अब ये हमारे पास फिक्सर है, फिक्सर स्प्रे से हम इनके फिक्सर करेंगे फेस पे। और ये भी देखें, आपने कुछ लोग इस तरह फिक्सर करते हैं, आपने इस तरह नहीं करना, आपने दूर से स्प्रे करना है और जस्ट हल्का से 2 से 3 पंप स्प्रे करने हैं। अच्छा, बाज़ लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है कि हमने फिक्सर यूज़ किया तो हमारी बेस फट गई या क्रैक्स आ गए, तो आप लोग क्या करते हो, किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है ना वो आपको के आपके लिए ख़राब है, ठीक है। तो आपने किसी भी चीज़ की ज़्यादती नहीं करनी है। अब हम आपको दुपट्टा सेटिंग करके बताएंगे, आप जाके चेंज कराएं बेटा उधर जाके। मैं आप लोगों को कुछ पेंस वगैरह और कुछ इस तरह की चीज़ों की डिटेल दे दूं। यहाँ पर जो हमने स्ट्रेटनर यूज़ किया था ये क्यूने का है, ठीक है। और जो हम यहाँ पर स्प्रे यूज़ कर रहे हैं वो सेवलॉन वालों का है। जेल मैंने यूज़ की, मैंने आपको जो मेरी लास्ट वीडियो थी हेयर स्टाइलिंग की उसमें डोनट से को ओपन करके पैड बनाना बताया था। इसका इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से हमने एक बॉक्स बनाया हुआ है जिसके अंदर हम सेफ्टी पिंस, ये हमारे पास स्मॉल बॉल पिंस और छोटी बड़ी सब हमने इसके अंदर रखी है ईजीली, कि हम ईजीली इसको यूज़ कर सकें, ठीक है। अब मैं आप लोगों को चेंज वो करके आ जाती हैं तो हम उनके उस पर दुपट्टा सेटिंग बताएँगे कि आप एक इंगेजमेंट ब्राइड को दुपट्टा कैसे सेट कर सकते हैं। जल्दी आ जाइए, यहाँ चेयर रख दें। इधर ही रख दीजिए चीज़ें, आ जाए। छोटी सी है ये बहुत। और मजे की बात कि ये इन्होंने अपने ही एंगेजमेंट का ड्रेस पहना हुआ है। ये पकड़े, निता नूर पूछ रही है ये मॉडल है, ये मेरी एम्प्लॉय है, ये मेरा छोटा मैनेजर है, छोटा सा मुंशी है ये मेरा। अच्छा, यहाँ पर हम कुछ एसेसरीज, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को यूज़ करना बताई थी, ये मेरे पास बहुत सारी बड़ी आपको मेकअप से पहले दिखाती मैं फिर अरीबा प्यारी पता चलता है। अरीबा तुम प्यारी हो करे, ठीक लग रहा है। मुझे इनविजिबल पेंस दें, थोड़ा। अच्छा देखिए, हमारे पास ये होती है इनविजिबल पेंस, इनके साथ आप अपनी किसी भी चीज को सेट कर सकते हैं। जैसे ये थोड़ा उठा उठा हो रहा है, इसको हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। मैं इंशाल्लाह ताला, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं लाइव रोज़ स्ट्रीमिंग करूँगी, बट 2 दिन जुम्मा हफ्ते इतवार प्रॉब्लम रहा। फिर कल मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, सब शायद जानते हैं, मून यास्मीन पॉलर से जो थी, जो पीपल कॉलोनी में होती थी, उनका इंतकाल हो गया था। बस काफ़ी कल ज़्यादा हम लोग डिस्टर्ब रहे मेंटली। आप सब लोग जो लोग देख रहे हैं उनके लिए, उनकी बख्शिश और मगफरत के लिए दुआ कीजिएगा। बहुत नेक दिल इंसान थी और बस कुछ कह नहीं सकती, ऊपर से बहुत अच्छी इंसान थी। आपने इस तरीके से प्लेट सेट करनी है दुपट्टे की, ठीक है। ये देखिए, प्लेट सेट करेंगे ना तो ये बड़ी अच्छी सी फॉल्स आ जाएंगी।
अगर आप कभी इंडिया जाए ना तो वहाँ तो स्पेशली दुपट्टा सेटिंग्स, साड़ी सेटिंग्स, इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती हैं। जी क्या कह रही है? लग कैसी रही है रीवा? ये बहुत खूबसूरत जो अच्छा यहाँ पर हम इनके सर पे दुपट्टा देखिए। रीवा रानी कह रही है माशाल्लाह से मैम जी आपकी और आपके काम की और क्यूट सी अरीबा की जो क्या जो इतनी प्यारी लग रही है, जितनी तारीफ करें कम है। थैंक यू। कौन इतनी प्यारी तारीफ कर रहा है हमारी? हिबा रानी। हिबा बस ठीक है जानू, तुम भी तो हमारा हिस्सा हो। बस अब अरीवा के तो आज अरीवा में नजर नहीं आएगी अभी थोड़ी देर बाद अरीवा के। अच्छा मुझे मेरे आगे शीशा नहीं है ना देखो। अच्छा ये तो मैंने आपको लगाने के लिए बताया था, ये जरा इसके दुपट्टे में मुझे प्रॉब्लम दे रहा है। बहुत प्यारी लग रही है आप अरीबा। एनी किधर गई? अभी तक तो नहीं है, कहाँ है? वैसे अरीबा आज आप अपनी मंगनी से भी ज्यादा प्यारी लग रही है। दोबारा से मंगनी गाना चल खड़ी हो जाए रीवा, आप तो बस बैठ ही गई। जी ये है अरीबा की फाइनल लुक। जी अरीबा, अरीबा थोड़ा सा टर्न हो इस साइड से भी। थैंक यू सो मच माया। ये है हमारे बैककॉमिंग का ब्रश, ठीक है? ये आपको इजी, ये बैककॉमिंग कॉम है और ये हमारे पास फिनिशिंग कॉम है। और आप बैककॉमिंग ब्रश का जो ये ब्रश है ये फिनिशिंग कॉम में भी यूज़ होता है, ठीक है? अरीबा आप एक दफ़ा फाइनल लुक दिखा दें, मैं अरीबा का मेकअप चेक कराने लगी हूँ आप लोगों को। आइज बंद कीजिए। ओपन आइज, ऊपर देखें। जी तो मैं आप लोगों से अब इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह ताला और किसी अच्छे से टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ आऊँगी। मेरे चैनल को भरपूर आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।